वहाँ का सड़कें देखो, रास्ता देखो, आदमी का रहन सहन और खान पीन देखो कैसा है, वहाँ का मार्केट देखो। अगर हमारे मार्केट में जाओगे ना तो चारों तरफ ये ठेला वाला इधर उधर फेंका हुआ खाना फेंका हुआ, ऐसी गंदगी मिलता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसे गंदगी वाला बदबू वगैरह कुछ नहीं मिलता है। जो भी सामान खरीद के खाते हैं तो जितना भी उनके पास बचते हैं वो खुद अपने जेब में डाल के उसको डस्टबिन में लगाते हैं। ऐसे कार्रवाई हमने करना है, किसी को इसी तरह उसी दिशा में ढालने के लिए ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था और हमने इसको अपनाना है और पूरा गांव गांव अपने घर घर में बताना है, अपने दोस्तों को, अपने बड़ों को और अपने छोटों को, सभी को बताना है कि हमने ये कार्रवाई नहीं करना है। अगर आप लोग बाजार में जाते समय अगर ऐसे कोई देखते हैं कोई गुटका खा के वहीं फेंक रहा है, भूख रहा है, तो उसको नरम भाषा में बताने, भैया ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से गंदगी करता है, बीमारियाँ फैलता है, इसके लिए आपकी कोई जगह है वहाँ पर करो, या कोई ऐसा पेपर है या खाना वाना खा के आपके पास जो डस्ट होता है उसको अपने जेब में डालो और कहीं भी डस्टबिन मिलता है तो वहाँ डालो करके उससे बताना है, तभी उसका दिमाग खुल जाएगा और वो बोलेगा अरे यार मेरे से छोटे वाला नहीं, मेरे को इतना नॉलेज का ज्ञान का जो बातें बताएं तो मेरे को थोड़ा शर्म आना चाहिए और मैं भी आइंदा ऐसे नहीं करूँगा और जाके मैं भी दूसरे को इसी तरह शिक्षा दूंगा बताऊंगा, इसी तरह दिमाग खुलते जाएंगे दूसरों को। तो फिर अपने आप हमारे देश में क्या होगा, स्वच्छता आएगा, एक दूसरे में अपनापन का भावना आएगा, ठीक है, और जितना भी पॉल्यूशन है वो कम होते जाएंगे। आज के ज़माने में देखो गर्मी कितना बढ़ गए हैं, हीट कितना ज़्यादा हो गए हैं, उस हीट को कम करने के लिए हमने क्या करना है, इसी तरह पॉल्यूशन को कम करना है।